हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 5 है और आज हम डिस्प्लेसमेंट करंट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में तो हम इसको यूज करते ही करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आंसर करना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ समझते भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो करंट है कंडक्शन वायर में तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो करंट फ्लो होने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये आपको पता है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये उस कंडक्शन करंट से डिफरेंट है, ये वो वाला करंट नहीं है जो कंडक्शन वायर में फ्लो होता है। तो ये कौन सा करंट है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रही हूँ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जिस साइड नेगेटिव होगा उस साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, जिस साइड पॉजिटिव है उस साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जिस साइड नेगेटिव है उस साइड आप करंट फ्लो होता हुआ दिखा सकते हैं। अब क्या है, जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे गैप है, कैपेसिटर के बीच में गैप है ना। ये जो गैप है, उस गैप के होने के बाद भी जो चार्जेस हैं एक जगह से दूसरी जगह फ्लो पता है। और अगर मैं यहाँ पे बीच में, तो वायर तो नहीं है, अगर यहाँ पे वायर है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गैप है, यहाँ कोई वायर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट रखती हूँ, तो मैग्नेट में मैग्नेटिक निडल, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन अपेयर होता है। तो वो डिफ्लेक्शन किस वजह से है, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे जब हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है या चेंज इन फ्लक्स हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में। तो चेंज इन फ्लक्स भी मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये कंसेप्ट आया, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स को हमने एक टर्म का नाम दिया, जिसको हमने करंट बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में कोई सिमिलैरिटी या मैच नहीं है। तो यहाँ से अभी इसको समझते हैं और डेफिनेशन भी समझते हैं और एक्सप्रेशन भी ड्राइव करते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, द नेचर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्शन वायर, ये फिगर बाद में बना लीजिएगा, है ना, पहले लिख लेंगे उसके बाद ये फिगर बनेंगे। द नेचर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्शन वायर इज डिफरेंट, किससे डिफरेंट है, देन दैट थ्रू द कैपेसिटर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज अ कंडक्शन करंट एंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम क्या कह रहे हैं, जो नेचर है करंट का कंडक्शन वायर में फ्लो होने का, वो डिफरेंट है कैपेसिटर के कंपैरिजन में। और जो कंडक्शन वायर में करंट फ्लो होता है उसको कंडक्शन करंट कहते हैं, और जो कैपेसिटर में करंट फ्लो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इस कंडक्शन करंट, या व्हाइल और एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक तो क्या कह सकते हैं हम, द कंडक्शन करंट इज नॉट कंटिन्यूअस अक्रॉस द कैपेसिटर गैप बिकॉज नो चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गैप। तो गैप के बीच में कोई चार्ज तो ट्रांसमोट हो नहीं सकता है, बिकॉज नो चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गैप। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन की वजह से नहीं होता है, चार्ज के मोशन की वजह से। सो डिस्प्लेसमेंट इज द ओनली करंट प्रोड्यूसेस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज नॉट लिंक्ड विद द मोशन ऑफ ट्रू चार्जेस। टू चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन से ये लिंक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट। वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वैसे तो एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंज इन फ्लक्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, और जब चेंज नहीं होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। दोबारा बना लेते हैं फिगर। अब ये जो कैपेसिटर है, ये लिख लेती हूँ बैटरी के लिए, ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में हमने एक रीजन ले लिया ए बी, ठीक है। ए बी इज द रीजन इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लें। ए बी इज द रीजन इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हेयर हेयर इज नो, यहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायर नहीं है। कंडक्शन करंट एस देयर इज नो वायर। लेट एट एनी इंस्टेंट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी द चार्जेस ऑन पैरेलल प्लेट्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों इस साइड चार्ज क्यू मान लिया, इस साइड माइनस क्यू चार्ज मान लिया, और ए बी रीजन पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वायर नहीं है। यह द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, क्यू चार्ज है जो प्लेट के ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। इक्वेशन वन, वेयर ए इज सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी ई अपॉन डी टी इक्वल टू करना इक्वेशन वन को। तो देखें क्यू तो चेंज होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेरिंग फील्ड लगा रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए और कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी क्यू ओवर डी टी।
और डी क्यू ओवर डी टी क्या है, एक तरीके से करंट हो गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और हमने इसको आई डी से डिनोट किया। आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन आ गया एप्सिलॉन नॉट ए टी ई ओवर डी टी। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर भी बना सकते हैं। तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई टी ई ओवर डी टी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं फ्लक्स के टर्म्स में। तो आई डी इक्वल टू ए अंदर चला गया एप्सिलॉन नॉट डी ए ई अपॉन डी टी, और ए ई क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, है ना। तो चेंज इन फ्लक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या है, फ्लक्स इक्वल टू ई ए होता है। ठीक है, तो फिर उस एक्सप्रेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इन अ कैपेसिटर इज आइडेंटिकल विद कंडक्शन करंट इन वायर, हेंस डिस्प्लेसमेंट करंट मीन कंडक्शन करंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग कैपेसिटर गैप। तो कैपेसिटर गैप था, वहां पे कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो सकता था, बट डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से वो कंडक्शन करंट कंटिन्यूअस हुआ। Throughout the circuit including capacitor gap. Suppose JD current density है, या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जे डी इक्वल टू हो जाएगा आई डी अपॉन ए। आई डी है हमारा, अगर बात करूं, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया जे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले गए डी, या डेल लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डेल टी, और एप्सिलॉन नॉट ई डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, तो जे डी इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। तो ई और डी में क्या रिलेशन होता है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, तो जे डी इक्वल टू डी ओवर डेल टी। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आज हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैक्सवेल इक्वेशंस लेकर आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।